अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मुझे सुहेल भाई की कॉल आई है, वो कह रहे हैं जी मछलियाँ पकड़ने जाना है, साथ नईम भाई भी हैं। तो मैं तो मना कर रहा था, मेरी आज तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन वो फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। तो तो इंशाल्लाह जाके आपको दिखाते हैं। तो जी, चारा हमारा रेडी हो गया जी, मौलवी साहब और ये अपना नईम भाई, ये अब हम जाने के लिए तैयार सर हैं। हमारे पास ना गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आज हम जा रहे हैं पैदल ही, और धूप भी बहुत ज़्यादा, पर क्या करें, चस्का जी जाने का वो जाते हैं, वो सामने चाचा दारा मज्जा पड़िया ला के चार दावे। लो जी, हम आ गए हैं बई के किनारे, वो सामने देखें दरिया नज़र आ रहा है ना, दरिया कह लें इसको, नाला कह लें, जो भी है, इधर हम करेंगे फिशिंग। चल एक बार चुप यार। तो आज पैदल आए हैं ना, इसलिए ये नईम भाई ये भी थक गए हैं, वो सहेल भाई हैं वो भी थक के बैठ गए हैं। तो 10 मिनट बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे। वो सामने परिंदे बैठे हैं, पता नहीं क्या है, वो कौन से परिंदे आए, मैं 4-4 फुट पानी में गया तकरीबन। बड़ा मजा आ रहा है, यकीन करें, गोडे गोडे पानी रेन छम छम फुट माई फिसल। आ जाओ आ जाओ, हम पानी से निकल आए बाहर। सेला जा, सेला डर गया, सेला डर गया, सेला डर गया, चाचा भी डर रहा है, चाचा थोड़ा ये पानी आ जाओ, कुछ नहीं होता यार। आ जाए आ जाए आ जाए। हम पहुंच गए हैं जी जहां पे हमने शिकार करना, कुंडियां लगानी है। पिछली बार हम आए थे, मैं और मामा बिल्लू और मिस्त्री, इसी जगह पे हम आए थे, और 1.5 किलो डोलियां लाए गई असी। तो अब मेरे साथ आए हैं जी माशाल्लाह लाहौर से स्पेशल चाचा नीमा और वो अपने सोहेल भाई। तो देखते हैं कि आज हमारी किस्मत में क्या है। बिस्मिल्लाह करो जी। चारे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो पहले ही रूटीन के मुताबिक करते हैं, केचुआ। हमारा ये तरीका कि जो ये मुंह वाली साइड है ना, इसकी एक दुम वाली होती है, एक मुंह वाली, ये मुंह वाली साइड है, जो इससे ऐसे करके हम ऐसे चढ़ा देते हैं ऊपर, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके, लेकिन अगर डोली पकड़नी है ना, स्नेक हेड फिश, तो उसके लिए ये तरीका कार बेस्ट है। ये ऐसे लगा के जनाब, और इब्तदा हो गई है जी, छोटी सी डोली आ गई है, चाचे नीमे ने पकड़ी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सोहेल भाई भी फेंकी हुई है कुंडियाँ इन्होंने, बिस्मिल्लाह हो गई है जी। किन्ने कड्ढे ना डोले और? अच्छा जी, इधर से डोले ही मिल रहे हैं हमें जी। ले जी डोला, एक होर कितने से ले? मेरी मेरी सलाह मानने के एनु उथे बूटन तोड़ी दो, मैं तोड़ना इन्हें सेट कर लेंगे, मैं तेरे को गाले ला। ये देखें जी, इकट्ठे दो डोले पकड़ लिए, और नहीं भाई फिर लगा रहे हैं कुंडियां, गाला ला लो जी। नहीं वो परली कुंडी लग गई है, ओ सामने अगली तेरे मुंह दे अगे जी, पर इन्हू जा रही है आस्ता आस्ता, तो मैनू लगता कि वो नाल मच्छी फस गई है। हां नहीं, मैनू लग रहा है, ऐली भी मैनू लग रहा कि लगी हुई है। खाली है, एक और छोटी सी डोली, और साथ ही ये बाम जिसको हम ग्रोज भी कहते हैं, ये भी नईम भाई ने इकट्ठी दो खेंची है जी। नईम भाई की प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक जा रही है, नहीं भाई कैरी ऑन लगाओ। एक और ग्रोज आ गया जी, गुदारे ला गया है, छोटा लेकिन ठीक ही है, चाचे नीमे का कमाल है।
सहेल साहब अज बिल्कुल फर्क, बस कुंडियां सीधियां पतलियां कर रहे ना। बाकी अज सहेल भाई ने मछली कोई नहीं पकड़ी। किनिया फड़िया ना? चल तीन फड़िया ना, झूठ बोलता जी। चलो एक अद्धी फड़ ली होगी। नीमा साहब तुम की कर रहे हो? पर चाह ती कुंडिया यार, दोनों जुड़ गए थी आपस में ना। चल सही कर, सहेले नु काट यार बार। टाइम काफ़ी हो गया जी, तो अब हम जाने लगे हैं वापस। चाचा नीमा और सहेल भाई इन लोगों के साथ बहुत मज़ा आया हमें शिकार करके, ठीक है जी। तो आज का जो हमने शिकार किया है वो ये है जी, ये जनाब ग्रोज डौलियाँ ते पता नहीं की ये देखें जी। चले गुजारा हो गया, बहरहाल बड़ी मछली कोई नहीं हमें मिल रही, तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। तो ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।